हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल यार, आज की वीडियो में मैं फिर से क्रैश कार की ऑक्शन में आया हूँ और इस बार जो है ना आप लोगों को थोड़ी सी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। और सीन ऐसे है कि भाई आज बहुत ज़्यादा कार्स आई हुई हैं और बहुत अच्छी कंडीशन में भी हैं, क्रैश कंडीशन में भी हैं, बहुत सारी ऐसी कार्स हैं। तो खैर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। देखो भाई, जीरो दिरहम से भी स्टार्ट हो रही हैं फ्री गाड़ियाँ, लेकिन बेसिकली वो फ्री होती नहीं है, स्टार्टिंग बिड इसकी जीरो होती है। जिस तरह एग्जांपल के तौर पे एक करोला खड़ी हुई है, इसके 15,000 दिरहम इसकी स्टार्टिंग बिड है, मीन्स की स्टार्टिंग बिड है, बिड ऊपर हमेशा जाती है। सेकेंड ये कि अमेरिकन इम्पोर्टेड कार्स हैं, अमेरिका से आई हुई हैं, क्रैश हो जाती हैं वहाँ पर, उसके बाद इनकी ऑक्शन होती है, ऑक्शन होने के बाद यहाँ पर आती है, यहाँ पे लोग परचेज़ करते हैं, उनको रिपेयर वगैरह करते हैं एक्सवाइज़ी। और आज जो हमारा आने का मकसद यही है कि हम लोगों ने यहाँ से दो कार्स परचेज़ करनी है। बेसिकली वो मैंने नहीं करनी, मेरे कोई दोस्त हैं उन्होंने परचेज़ करनी है, तो ऑलरेडी वो कार्स देख रहे हैं। अगर वो कार्स परचेज़ हम लोग करते हैं तो उसकी एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो आएगी कि हाँ हमने यहाँ से दो कार्स उठा ली हैं। जो माइंड में कार्स हैं वो एक करोला है, ठीक है, और यारी से टोयोटा की कोई ना कोई गाड़ियाँ उठानी है, मे भी दूसरी कोई और मिट्सुबिशी वगैरह कोई उठा लेंगी, हाई एंड नहीं, यानी कि स्पोर्ट्स वगैरह नहीं चाहिए हम लोगों को, चाहिए जिस तरह भी है, होंडाई मिल गई तो ये उठा लेंगे, निसान मिल गई तो ये उठा लेंगे, लेकिन मेन कॉन्सेंट्रेट है हमारा टोयोटा के ऊपर। तो वो ऑलरेडी कार्स देख रहे हैं, मैंने सोचा इतनी देर में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूँ, कार्स दिखा दूँ और स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अच्छा यार, जिसने ये नंबर वन पे गाड़ी खड़ी है, इसकी स्टार्टिंग बिड जीरो दिरहम की है, तो उसमें 14 मॉडल की अल्टिमा गाड़ी है। किसी ने अपने पर्सनल यूज में लेनी है तो ले सकते हैं बंदा, यहाँ से जो ना डैमेज होता है। अच्छा अब ऐसा होता है कि अक्सर ये गाड़ी मोस्टली ड्राइवेबल है, ये ड्राइव करके आप लोगों को दिखाते हैं, ठीक है, ड्राइव हो रही होती है। और ऐसा भी सीन है कि इनके चेसिस वगैरह की मोस्टली गारंटी होती है कि चेसिस हिट नहीं है इनके, कुछ के होते हैं ज़्यादा, तो उन्होंने मैंशन होता है कि गाड़ी यहाँ पर रजिस्टर नहीं हो सकती, तो ये इसका होता है। जिसमें आप चेसिस वगैरह के हिटिंग के लिए आप लोगों को मैं दिखाया था, देखो इस चीज़ की आपको नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए कि चेसिस कितना हिट है, क्या है, इस पर कॉस्ट क्या आ रही है। ये भी मैंने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है और उसमें मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है जिसमें बताया गया यार इस गाड़ी पे इतना खर्चा आता है, इतना खर्चा आता है, तो एक डिफरेंट सीन और सिनेरियो है। खैर यहाँ पे बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ, मर्सिडीज़ यार बहुत प्यारी खड़ी हुई है रेड कलर की, और उधर भी एक खड़ी हुई है रेंगुलर खड़ी हुई है जीप, तो ये सब कार्स मैं आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ कि स्टार्टिंग बिड वगैरह इन पर क्या लगी हुई है। तो ये यार रेड कलर है, सबसे पहले तो कलर इसका बहुत मुझे प्यारा लग रहा है, वैसे ही कलर को एडमायर करूँ थोड़ा सा, काफ़ी मज़े का यार इसका कलर है। खैर इसका क्रैश में उस साइड से कोई क्रैश नहीं थी, यहाँ से थोड़े से स्क्रैच और क्रैश है। 2018 मॉडल की 54,000 दिरहम है इसकी स्टार्टिंग बिड। सनरूफ इसकी खुली है, जब एक्सीडेंट हुआ होगा उसको शायद ओपन ही होगी। अंदर से इंटीरियर से इस साइड से तो कोई एयरबैग वगैरह इसके पॉप नहीं है, काफ़ी ज़बरदस्त सीन है, लेकिन ये साइड पे एयरबैग इसके निकले हुए हैं। और एयरबैग वगैरह यहाँ पे मिल जाते हैं दुबई में, स्पेयर पार्ट्स का कोई बहुत बड़ा कोई इशू नहीं होता है। गाड़ी की कंडीशन बाकी आप लोगों ने चेक कर लेनी है कि हाँ यार देखो ये इस साइड से लगी है, और 54,000 दिन में स्टार्टिंग गेट 2018 मॉडल है, C300 मर्सिडीज़ हो गई, ठीक है, ये इसकी मर्सिडीज़ की डिटेल हो गई। और इसके साथ एक और मर्सिडीज़ यहाँ पे खड़ी हुई है, और ये भी 69,000 दिन 2017 मॉडल की। तो मैं कुछ मर्सिडीज़ हाई एंड कार्स भी दिखाता हूँ आपको, मैं कुछ थोड़ी सी चीप गाड़ियाँ जो होंगी वो भी दिखा दूँगा आपको कि यार सस्ती भी हैं महंगी भी हैं। बेसिकली यहाँ पे जिस तरह भी रेंगुलर है, रेंगुलर के यार बहुत ज़्यादा शौकीन लोग हैं, तो मैं आप लोगों को रेंगुलर दिखाता हूँ। ये टू डोर रेंगुलर है, ठीक है, उसके बाद ये कन्वर्टेबल है ऊपर से, और इसका जो डैमेज और एक्सीडेंट है वो मैं आपको दिखाता हूँ, स्टार्टिंग बिट दिखाता हूँ। कुछ मैंने ऐसी वीडियोस भी बनाई है कि यार ये गाड़ी कितने की होनी चाहिए, कितने की बिकती है, और कितने आप लोगों को प्रॉफिट हो सकता है अगर आप लोगों ने रीसेल करनी है, तो वो भी मेरे चैनल पे जाके आप लोग स्क्रॉल करके वो वीडियोस देख सकते हो। तो 2020 मॉडल रेंगुलर 54,000 दिरहम स्टार्टिंग में। अच्छा 5% इस पर चार्जेस होते हैं सेल, यानी कि टैक्स होता है, जितने भी गाड़ी आपकी जाती है तो 5% लोगों को टैक्स भी देना होता है। और सेकंड ये कि जब आप लोग बिड विन करते हो तो आप लोगों को 20% डाउन पेमेंट ऑन द स्पॉट देनी होती है कि गाड़ी आप लोगों की हो गई, या फिर वो मीन्स के ये होता है ना कि किसी और को नहीं देंगे, अगर आप लोग बैकआउट करते हो तो उसका जो भी सीन होगा वो डिफरेंट है। और ये इसके फ्रंट से भी काफ़ी मतलब क्लीन है, कोई बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं है, तो इसका हम लोग देख लेते हैं कि इनसाइड से क्या है। ये फेंडर इसका यहाँ से डलेगा इस साइड वाला, ठीक है, और अंदर से इसका एयर बैग सामने वाला खुला हुआ है, फटा हुआ है, और बाकी इसका इंटीरियर आप लोग देख लो क्या कंडीशन इसकी चल रही है। स्टार्टिंग बिट 54,000 दे रहा हूँ, ओके हो गया। उसके बाद चलते हैं आगे मैं आप लोगों को, जिसमें आप ये खड़ी हुई है निसान की गाड़ी है, ये बैक से ऐसे डैमेज है, ये एक और मर्सिडीज़ आ गई 2018 मॉडल की, एक और मर्सिडीज़ है यार, वो मुझे बहुत मज़े की लगी थी, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये लेक्सस है 2021 मॉडल NX300 56,000 दिन की इसकी स्टार्टिंग बिट है। ये है इसका इंटीरियर, पुश बटन स्टार्ट, उसका वहाँ से एयर बैग पॉप, लेकिन काफ़ी अच्छी गाड़ी ये भी लग रही है। मेन टू से अगर आप लोगों ने अपने ड्राइव के लिए लेनी है तो पैसे आप लोग सेव कर सकते हो, इफ़ यू वांट टू सेव मनी, क्योंकि लोग जो है अमेरिकन कार्स यहीं से ही ऑलमोस्ट लेके सेल करते हैं। तो ये है जी वो मर्सिडीज जिसका मैं आपको बता रहा था, 64,000 दिरहम इसका स्टार्टिंग बिड है। 2020 मॉडल है, A220 गाड़ी है। इंटीरियर मैं इसका आप लोगों को दिखा दूँ एक दफ़ा, इंटीरियर काफ़ी मज़े का है इसका, और कहीं से एयरबैग नहीं खुला हुआ इसका।
तो ये है इसका इंटीरियर। इंटीरियर जो है ना वो बहुत मजे का यार, डबल कलर है इसका इंटीरियर का, काफी मजे का। सो फार मुझे इसमें कोई डैमेज भी नजर नहीं आया, मैं देखता हूँ कुछ छोटा मोटा डैमेज होगा, क्योंकि कुछ बहुत माइनर डैमेज के साथ भी गाड़ियाँ आती हैं। तो ये मुझे लगता है कि इसमें से बहुत माइनर सा डैमेज अगर हुआ तो हुआ। इसमें डैमेज है कोई, देखिए ज़रा, मुझे तो नज़र नहीं आया क्या डैमेज हो सकता। हाँ ये है ना, ये है ना, ये है ना मेरे भाई, ये दरवाज़ा लगा, ओए होए होए दरवाज़ा ही लगा हुआ है। ये तो बहुत माइनर सा डैमेज है, दरवाज़े चेंज होंगे इसके, ठीक है ना, ये दोनों दरवाजे चेंज हो जाएंगे। एंटी लनलेस इसका चेसी वहाँ से देखना होगा कि कितना बैंड है, क्या है क्या नहीं है। बाकी इसका एयर बैग कोई नहीं खुला, तो इसका मतलब है कि चेसी जो है ना वो हिट नहीं हुआ है इतने ज़ोर से, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये तो यहाँ पे एक है शेवले भी खड़ी हुई है, मीन्स कि हर ब्रांड की गाड़ी आप लोगों को मिल जाती है। जिस तरह वो टोयोटा कैमरी भी खड़ी हुई है, और ये जो है 14,500 दिरहम से इसकी स्टार्टिंग बिड है। और ये कार्स जो है यार आप लोगों को जो है ना सिर्फ इसका नॉलेज होना चाहिए। इंडस्ट्रियल एरिया नंबर 2 शारजा के अंदर आप लोग आओ, और बहुत बड़ी ऑप्शंस मिलती हैं आपको, वहाँ से आप लोग परचेज कर सकते हो। खैर अभी इस टाइम पे हम लोग जा रहे हैं तो गाड़ियाँ देख ली हैं। ऑक्शन जो है ना बेसिकली रात के टाइम होती है स्टार्ट, तो हम लोग रात को आएंगे आके, अगर हम लोगों ने परचेज़ की तो उस पर मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। अभी हम लोगों ने गाड़ियों को तो सिलेक्ट कर ली हैं, रात मगरिब के टाइम यानी 7-1 बजे के टाइम पर स्टार्ट होती है ऑक्शन होना। तो अभी जो है गाड़ियाँ आप लोगों को भी मैंने दिखा दी हैं, अपनी भी कुछ मैंने देख ली हैं, तो शाम को आएंगे देखेंगे कि दोस्त जो है वो उन्होंने अगर परचेज़ करनी हो तो देख लेंगे। खैर अभी चलते हैं यहाँ से। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो ये देखो एलेंट्रा भी है 2016 मॉडल, और अभी हम जा रहे हैं।